दिल्ली की आम आदमी पार्टी में एमएलए रहे और कैबिनेट मंत्री रहे कपिल मिश्रा अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने आज सुबह 11 बजे बीजेपी लीडर मनोज तिवारी और विजय गोयल की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने ये भी कहा कि वो मोदी के लिए 100 बार एमएलए की कुर्सी का त्याग कर सकते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कपिल मिश्रा के बागी तेवर नजर आए थे। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी में रहते हुए बीजेपी के लिए प्रचार किया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें दल बदलू करार देते हुए पार्टी से बाहर कर दिया था और 2 अगस्त को उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। वहीं कपिल मिश्रा ने कल रात को ही अपने ट्विटर से यह संदेश दिया था कि मैं जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करूंगा। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी द्वारा कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द होने के बाद वो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। कपिल मिश्रा ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कपिल मिश्रा ने कहा कि मोदी जी के लिए अभियान मैंने चलाया था, मैं 100 बार विधायक की कुर्सी कुर्बान कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि एक तरफ देशभक्त और एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग है, मैं सारी दिल्ली के साथ खड़ा था, अभी 7 सीटें मोदी को अभियान चलाया और विधानसभा चुनाव में 60 सीटें मोदी को अभियान चलाऊंगा। एक बड़ा झटका है केजरीवाल को और साथ ही साथ कपिल मिश्रा क्या विधानसभा चुनाव दिल्ली में मोदी के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।